हेलो बीजी मियाँ एलवर्स, तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। स्वागत है आपका अजीत स्पोर्ट्स चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पबजी मोबाइल की जो थंबनेल होती है वो बिल्कुल इजीली अच्छी मतलब मस्त बिल्कुल कैसे बनाएं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि यार वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि तभी आप अच्छे से बना पाओगे। पीएनजी और जितने भी पीएनजी एनिमीज़ के हैं, कार के हैं, और जितना भी मतलब गन्स का वो अंडरलाइन वाला पार्ट है, सब मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो आप इसको पूरा देखना, तभी आप यही वीडियो देख के आप अच्छे आसानी से मतलब अच्छी थंबनेल बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ पहले कि कैसी मतलब थंबनेल आपको बनानी चाहिए और कैसे आप बनाना चाहते हैं, ये इसी में वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, मतलब ऐसी वीडियो ज़्यादातर ऐसे थंबनेल ज़्यादा चलती हैं पबजी मोबाइल गेम में, तो ऐसे ही हम बनाना बताएंगे। तो यार वीडियो को पूरा देखना, और एक आपसे छोटी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स और ये ज़्यादा सब प्रॉब्लम्स जो होती हैं पबजी में इसी वीडियो में लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई जैसा कि देख रहे हैं कि आपके पास, मैं पहले बता दूं एक बात कि आपके पास तीन ऐप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक पिक्सार्ट, दूसरा बैकग्राउंड इरेजर और तीसरा पिक्सल लैब। ये तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। और आपको सिंपली क्या करना है, पिक्सार्ट पे जाना है। और पिक्सार्ट पे जाने से पहले आपको मैं बता दूं कि एक अपने गेम रिकॉर्डिंग में से जो कि गेम रिकॉर्ड किया है या फिर गेम खेलते हुए जो कि आपने स्क्रीनशॉट लिया है जिसको आप थंबनेल बनाना चाहते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो मैंने तो पहले ले लिया अपना रिकॉर्डिंग में से, तो अब मैं इसको क्रॉप कर लूँगा। ठीक है, आपको भी क्रॉप करना है जितना आप चाहते हैं लेना, तो मैंने इतना क्रॉप कर लिया। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, ऐड इमेज पे जाना है। और आपके पास ये एरो वाले और ये एनिमीज़ के और गन्स के जो कि गूगल पे जाके आप आसानी से इनको डाउनलोड कर सकते हैं, इनको डाउनलोड करके और बैकग्राउंड इरेजर में से जाके इनको केवल इनका पीएनजी बना लेना, और पीएनजी आपको भी क्रोम पे मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ पर इमेज ऐड करनी है, तो कौन सा एनिमी का पीएनजी यहाँ पर सही रहेगा आपको ये भी चूज़ करना पड़ेगा। तो एक ये ले लेता हूँ मैं, एक ये और एक दो नॉक ले लेता हूँ। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर मुझे जूम करना पड़ेगा। जूम करने से पहले इनको मैं थोड़ा सा क्रॉप कर लूँगा क्योंकि इनके पैर तो दिखने नहीं चाहिए, इनको थोड़ा साइड कर लेंगे हम। तो यहाँ पर इसको मैं एक यहाँ पर रख दूँगा और एक ये जो बंदा भाग रहा है वहाँ पर मैं कर दूँगा इसको थोड़ा, और हम इसको वो कर लेंगे। तो यहाँ देखिए दो बंदे हो गए, और तीसरे बंदा को हम यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए दिखने लगा है कि हाँ बंदे मतलब इस सामने हैं हमारे इसको के। ठीक है, अभी थोड़ा एक कम अच्छा लगेगा क्योंकि अभी इसका ब्राइटनेस अच्छा नहीं है। तो अब इसको हम थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए थोड़ा और क्रॉप कर लेंगे क्योंकि तब ये ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो यहाँ देखिए ये हो चुका है। अब हमको यहाँ पर जाना है, अगर जो आप बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर बैकग्राउंड भी ले सकते हैं कोई भी कलर का। ये देखिए इससे ऐसा हो सकता है, और हम बैकग्राउंड ले लेते हैं येलो। येलो सही नहीं रहेगा, किस कलर का, कोई कलर का ले लीजिए जिस जो आपको अच्छा लगता है। तो मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। और आपको अब क्या करना है, सिंपली अब वो एरो ये वाले ऐड करने, क्योंकि इससे जो देखने वाले होते हैं ऑडियंस उनकी नज़र इस पे ज़्यादा जाती है, तो इससे उनको थोड़ा अटेंशन मिलता है कि हाँ मतलब इस वीडियो में है क्या। तो हम ये कर लेंगे और इसको इधर से टर्न कर देंगे और थोड़ा बड़ा कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर तो हो गया, इसको अब हम सेव कर लेंगे। यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो चलिए अब आपको आगे दिखाते हैं। तो दूसरा पेज है पिक्सल लैब में जाना है हमें, और यहाँ से थ्री डॉट पे जाके इमेज साइज को सेट कर लेना। उसके बाद में वही जो मैंने हमने पिक्स आर्ट में बनाई थी उसको उठा के यहाँ पर सेट कर देना है हिसाब से अपने। और यहाँ पर सेट करने के बाद अब आपको सिंपली क्या करना है कि ये वाला दबा के जहाँ पे इरेज पीएनजी लगाना चाहिए पीएनजी वाला वो दबा के, और आपको यहाँ पर जो भी गन से आपने खेला या जो भी गन को दिखाना चाहते हैं तो आप उसको दिखा सकते हैं। तो मैं M249 को दिखाना चाहूँगा, वो भी ब्लर में, तो इसको हटा दीजिए अब। और अब इसको ऐसा छोटा करके
इधर लगा दीजिए। यहाँ पर इसको ऐसे लगा दीजिए और यहाँ पर जाके इसको स्ट्रोक कर दीजिए। यहाँ पर जाके इसको स्ट्रोक कर दीजिए, जो भी कलर आपको सही लगता है, तो वाइट ज़्यादा बेटर होता है। यहाँ पे देखिए लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली ये हो गया। अब यहाँ पर टेक्स्ट पे जाके यहाँ पर आपको जितने किल आपने किए उतने किल यहाँ पर लगा के लिख लेना है। 30 किल्स मैंने कर दिए, और उसको एक बार लिखने की ज़रूरत है, डबल बार नहीं। इसको नीचे हम ऐसे कर लेते हैं, अब दो बार टाइपिंग करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ देखिए 30 किल्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसको थोड़ा साइड में रखिए, और यहाँ पर कलर हमेशा मैं रिकमेंड करूँगा कि आप येलो लें, क्योंकि येलो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अब यहाँ से आप फॉन्ट यहाँ पर से फॉन्ट सेट कर लेंगे, उसके बाद स्ट्रोक पर जाएंगे, और स्ट्रोक पर जाने के बाद यहाँ पर ब्लैक लेकर इसको, ब्लैक यहाँ पे सही नहीं रहेगा क्योंकि ब्लैक पे ब्लैक नहीं अच्छा लगता है, तो यहाँ पर आपको रेड ही ले लें, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब ये करने के बाद आपको सिंपली सेव कर देना है। यहाँ पे सेव करने के बाद आपको मोबाइल के वो फोटो गैलरी में आना है, और गैलरी में आके ये देखिए यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर सिंपली एडजस्ट में जाना है, और आपको यहाँ पर ब्राइटनेस थोड़ा हाई करना है, उसके बाद में शार्पनेस करनी है, कॉन्ट्रास्ट इतना करना है, और आप ब्राइटनेस और तेज़ कर सकते हैं। देखिए इतना कितना बढ़िया हो गया यहाँ पर, और इतना कर सकते हैं कि मतलब अच्छे से दिखने लगे अपने हिसाब से। ये देखिए भाई, एक नंबर की बन गई, ठीक है। ऐसे दोस्तों बनाते हैं। तो गाइज़ इनकी मदद से आप ऐसे अच्छी से अच्छी थंबनेल बना सकते हैं अपनी वीडियो के लिए। तो गाइज़ प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे बहुत ही टाइम लगा ये वीडियो बनाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।